सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के नोटिफिकेशंस को ऑल पे कर दीजिए ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। तो भाई एक्चुअल में जो ये चाय है ये कई बीमारियों से बचाव करती है कबूतरों का। बदलते मौसम में ये एंटीऑक्सीडेंट्स की ऐसी डोज है जो आपके कबूतरों को कई बीमारियों से लड़ने की ताकत देगी। खांसी, ज़ुकाम, आँख आना और आपका और भी देखो क्या होता है कि पहले कबूतरों में छोटी ही बीमारियां स्टार्ट होती है, उसके बाद वो चलते चलते बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। पोटे को भी हेल्दी रखेगी, दाने का हाजमे की ताकत, हर चीज़ के अंदर ये काम करती है। इसमें 32 तरीके की जड़ी बूटियां डली होती है कंपनी की तरफ से। दाना चुग चुके हैं कबूतर सारे और आप देख सकते हैं किस हिसाब से कबूतर इसको शौक से पी रहे हैं सारे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुणाल द एनिमल प्लैनेट और मैं हूं कुणाल आपके साथ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है कबूतरों को सर्दी से किस हिसाब से बचाएं। तो दोस्तों जब भी मौसम चेंज होता है तो बीमारी का जो मेन कारण बनता है वो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी रहती है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो हमारे को भी डॉक्टर रेफ़र करते हैं कि आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनके अंदर की एंटीऑक्सीडेंट्स हों और ये सारी चीज़ें हों। तो आज मैं ऐसा ही एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, तो हम वो अपने कबूतरों के लिए आज बनाएंगे, बना के कबूतरों को पिलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स वाली क्या चीज़ मैं अपने कबूतरों पे यूज़ करता हूँ। प्लस मैंने दाना धो रखा है अपने कबूतरों के लिए, धो के अभी सुखा ही रही है क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, धूप निकल नहीं रही है तो दाना भी टाइम से सूख नहीं पा रहा। बट वो दाना भी दिखा देता हूँ मैं आप लोग को कि हमने क्या देना है इनको कबूतरों को इस मौसम में ताकि ये सर्दी से बचे रहे। प्लस सर्दी से बचाने के लिए भी एक आध टिप्स दूंगा, जैसे कि अभी हम ये अपने लॉफ्ट में लगाने वाले हैं, ये प्लास्टिक का रोल है, ये वो प्लास्टिक है दोस्तों जो छोटे बच्चों की कॉपियों पे चढ़ाया जाता है, ये वो वाला प्लास्टिक है। तो ये मैंने रोल ले लिया था, इसको अब हम टेप की मदद से अपने दड़वे को विंड प्रूफ करेंगे क्योंकि सर्दियों में सर्दी से कबूतर कम बीमार पड़ते हैं और हवा की वजह से ज़्यादा बीमार पड़ते हैं जब डायरेक्ट ठंडी हवा कबूतरों के ऊपर पड़ती है, असल बीमारी की जड़ वो होती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे को एंटीऑक्सीडेंट्स देने होते हैं कबूतरों को मौसम चेंज में, जो कि उनकी इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। और वैसे भी ये एक तरह के काढ़े का काम करते हैं, एक तरह के काढ़े का जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो है कोलंबाइन टी वर्सला का कंपनी की, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने सामने, ये वर्सला का कंपनी की कोलंबाइन टी है। और ये कोई बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स वर्सल लगा के एक्सपेंसिव एंड पे भी आते हैं लेकिन ये उतना महंगा नहीं है। ये 1120 रुपए का डब्बा है, कोरियर चार्जेस एडिशनल रहते हैं अगर आपका ऑर्डर 5000 से कम होता है, 5000 से ऊपर का ऑर्डर जैसे आप सब जानते हैं हमारा कोरियर उसमें फ्री रहता है। तो ये कोलंबाइन टी जो है इसको हमने यूज़ कैसे करना है, इसके अंदर 32 तरह के हर्ब्स होते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर और 100% हर्बल बेसिस होते हैं और सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कबूतरों को एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड कराती है, कबूतर को सर्दी, जुकाम, नज़ले, हर चीज़ की बीमारी से ये बचाती है। ठीक है, अगर हम इसका रेगुलर यूज़ करते रहेंगे तो बीमारी जल्दी से कबूतरों में आएगी नहीं और जैसे हम लोग चाय बनाते हैं वैसे ही बनती है, इस टाइप का इसके अंदर से मटीरियल निकलता है। सारा हर्ब्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो और काफ़ी अच्छी खुशबू रहती है इसकी और काफ़ी दूर तक खुशबू आती है। जब आप बनाएंगे तो लोग भी पूछेंगे कि क्या चीज़ बना रहे हैं आप अपने कबूतरों के लिए। तो ये भी नहीं कि आप कहो कि मेरे को इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है और मेरा वेस्ट हो जाएगा, तो ये 2023 तक आपका आराम से चलेगा, इसमें कोई ख़राब होने वाली आइटम नहीं है और 2023 तक ये चलेगा। इसकी अभी जो एक्सपायरी है 2023 तक की है और 1120 रुपये का ये प्रोडक्ट है। तो इसी चक्कर में हम इसको यूज़ करते हैं अपने कबूतरों पर रेगुलर। अब जैसे मौसम चेंज हो गया तो अब हम इसको 15 फरवरी तक एटलीस्ट अपने कबूतरों को हर हफ्ते दो बार देने की कोशिश करेंगे, ट्वाइस अ वीक देंगे इसको 15 फरवरी तक हम अपने कबूतरों को। तो इसको देना कैसे होता है दोस्तों, इसको पकाना पड़ता है, प्रॉपर चाय की तरह ये बनती है। इसका नाम भी कोलंबाइन टी है, कोलंबाइन कबूतर को बोलते हैं यूरोपियन लैंग्वेजेस में और इसका नाम कोलंबाइन टी है और इसीलिए चाय की तरह ही बनती है। तो अब शुरू करते हैं इसको बनाना और बना के फिर कबूतरों को पिलाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमने पानी उबाला हुआ है, एक्चुअली में ये हमने ले लिया था हमारे को जितना पानी चाहिए इस बाल्टी में नाप के कुलदीप ले आया था
और अब हम इसको मतलब हमें बिल्कुल उबालना तो साड़ना तो नहीं है पानी को कबूतरों को, तो हमने रूम टेम्परेचर पे ही देना है। तो जितने में चाय बनेगी हम उतने पानी को अभी उबाल रहे हैं अच्छे से। इसको अच्छे से पकाना है, हमने अभी इसमें चाय डाल के आपको दिखाएंगे और बाकी पानी हमारा वो पड़ा है इसको उस पानी में डाल देंगे तो पानी हमारा वापसी रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। तब तक दोस्तों अब ये नज़र मार सकते हो, ये हमने दाना बनाया अपने कबूतरों के लिए, ये हमारा दाना सूख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैं खुद भी ये मैंने बनाया हुआ है अपना ये दाना आपके सामने ही है, अपने कबूतरों को भी मैं यही दाना दूंगा। तो दोस्तों सर्दी का एक सिंपल सा रूल होता है कि सर्दी में थोड़ी फैट कंटेंट हमारे को ज़्यादा देना होता है अपने जानवरों को, क्योंकि ताकि फ़ैट की एक लेयर बनी रहेगी तो वो सर्दी से प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा हुआ, बस थोड़ी सरसों की मात्रा जो है ज़्यादा बढ़ाई हुई है इस दाने के अंदर। जब तक पानी उबल रहा है आप लोग ये देख ही लीजिए कि इसमें देखो मक्का डाल रखा है, हरी दाल डाल रखी है और बाजरा है, गेहूं है, चने हैं थोड़े से और काली सरसों की मात्रा ज़्यादा डाल रखी है। आमतौर पे जो पूरे दाने जो भी दाना आप बनाते हैं आमतौर पे उस दाने के अंदर हम जो सरसों डालते हैं वो 10 या 11% डालते हैं, लेकिन सर्दी में मैं अपने कबूतरों की जो सरसों है वो पूरे दाने के अंदर जैसे 100 किलो बना रहे हैं तो उसमें 20 किलो सरसों डाल देता हूँ, 20% तक डाल देता हूँ मैं सरसों सर्दी के टाइम पे सिर्फ, क्योंकि सरसों के अंदर ऑयल होता है, फैटी सीड होती है तो बढ़िया है। मक्का भी फैटी सीड है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा प्रोवाइड करती है। बाकी दाल चने तो प्रोटीन के लिए हो ही गए और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमारा बाजरा हो गया और गेहूँ हो गया। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये दाना मैं बना रहा था, अब वापसी आ जाते हैं अपनी चाय के ऊपर। तो दोस्तों ये चाय जो हमने बनानी है कोलंबाइन टी, ये 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डलेगा। तो अब हम 8 लीटर पानी बना रहे हैं तो इसके अंदर हमने 8 चम्मच डालने हैं इसके चाय के, तो 8 चम्मच हम डाल देंगे इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8 चम्मच हमने ये डाल दी चाय। ये मेरी ऑलरेडी पहले से भी यूज्ड है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ इसको। ये 8 चम्मच हमने चाय इसके अंदर डाल दी है, अब इसको हमने अच्छे से काढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से इसको जैसे काढ़ा बनाते हैं घर में उस टाइप से इसको काढ़ना है हमने। तो अभी ये गर्म हो रही है, आपको दिखाते हो उबाल पे कैसे आती है। तो भाई जैसे आप देख सकते हो चाय में उबाल आ गया, अब हम इसकी गैस को जो है सिम पे कर देंगे, जिससे कि अब जैसे आप देख सकते हो सिम पे कर दी मैंने गैस। अब इसको हल्का हल्का इसी आंच पे घड़ी देख के 5 मिनट तक हमने पकाना है, लेकिन मैं आपको 5 मिनट नहीं पकाऊंगा, इसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो इसको पका लेते हैं फिर आगे करते हैं। तो भाई हमारी चाय उबल गई है और काढ़ ली है अच्छे से। तो आपको 8 लीटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे कबूतर 8 लीटर पानी पीते हैं इसलिए हमने 8 लीटर के हिसाब से 8 चम्मच बनाई है। आपका अगर 2 लीटर पानी लगता है तो आपने सिर्फ 2 लीटर में 2 चम्मच डालने हैं। और अब हम इसको इस बाल्टी में डाल रहे हैं छान के, छानना ज़रूरी है दोस्तों इसको। अब हम इसको छान के इस बाल्टी के अंदर डाल रहे हैं। गैस बंद है, चल रही है। तो भाई हमने इसको छान के बाल्टी में डाल लिया, अब ऊपर चलते हैं कबूतरों को ये पिलाते हैं और दिखाते हैं। अभी ये काफ़ी गर्म है, इसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा हमारे को, उसके बाद ही हम कबूतरों को दे सकते हैं, क्योंकि नहीं तो उससे उनके मुंह जलने का डर रहेगा। तो ऊपर चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो भाई मैंने वो चाय जो है अब इनके डोंगों में डाल दिया ठंडी होने के लिए, ठीक है, और ये वाली ठंडी हो भी गई है जैसे कि आप देख सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल
रूम टेम्परेचर पे है, मैं आराम से हाथ भी डाल पा रहा हूँ। गलती से भी गर्म चाय मत दे देना, कबूतरों के पोटे जल जाएंगे, उसके बाद में इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने गर्म दी, बिल्कुल लाइट गुनगुनी, बिल्कुल हल्की गुनगुनी, गुनगुनी भी रहने देना, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ला करके ही देना, ठीक है। गर्म देने की कोशिश में कबूतरों का नुकसान ना हो, तो इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, जब आप आराम से ऐसे हाथ डाल सको इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप उसको दे सकते हो। तो मैं कुलदीप भाई को बोलता हूँ, जो ये कबूतर हमने अपने बच्चे हैं, पहले बच्चों को दे देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाले हमारे सारे बच्चे हैं इसके अंदर, इस लॉफ्ट में। ये सारे हमारे बच्चे हैं जो हम दिल्ली कप के लिए तैयार कर रहे हैं इन सब बच्चों को। और अब इनको पानी रख देते हैं हम, तो वो रख रहा है कुलदीप पानी, और शौक़ से पीते हैं कबूतर इसको। दाना चुग चुके हैं कबूतर सारे, और आप देख सकते हैं किस हिसाब से कबूतर इसको शौक़ से पी रहे हैं सारे। और इससे कबूतर का हाजमा भी सेट रहेगा, ताकत भी बनी रहेगी, इम्यूनिटी भी आएगी। इनके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमें अपने कबूतरों को बीमारियों से बचाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो हफ्ते में अब हम इनको, जब तक सर्दियां रहेंगी तब तक दो बार देंगे। ना कोई कबूतर पोटा फुला के बैठेगा, छाती फुला फुला के फूल फूल कर जो बैठते हैं कबूतर, इससे आपको किसी प्रकार की वो दिक्कत नहीं आएगी। कबूतरों को नेचुरली ये काफ़ी गर्माहट देती है अंदर से, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये वाला। तो अब हमने इन कबूतरों को पिला दिया आपके सामने, अब हम जोड़े वाले कबूतरों को भी पिलाएंगे, तो वो भी दिखाते हैं आपको। तो भाई अब जोड़े वाले कबूतरों को देने जा रहे हैं हम पानी, और आप देख सकते हैं हमारे जोड़े वाले कबूतर इस लॉफ्ट के सारे आराम से चाय वाला पानी पी रहे हैं। और जब ये पानी पियेंगे और अपने बच्चों को भी पिलाएंगे, जो इनके नीचे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर भी ये जाएगा, तो उनमें बचपन से एंटीऑक्सीडेंट जाएंगे, तो वो बचपन से इम्यूनिटी बनाते चले जाएंगे बच्चे, बचपन से ही काफ़ी हेल्दी रहेंगे वो बच्चे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, अगर बच्चा बचपने में बीमार पड़ जाए तो फिर वो बड़े होकर अच्छा रिजल्ट भी नहीं देता, और उड़ान भी अच्छी नहीं देता, और बार बार बीमार पड़ता रहता है। तो ये जारी चाय अब ये इस वाले लॉफ्ट में भी रख देंगे, तो कुलदीप भाई रख देगा, मैं इधर कैमरा ले लेता हूँ, और इस लॉफ्ट में भी रख देंगे इनको। ये देख सकते हैं दोस्तों, सारे कबूतर आ गए फटाफट पानी पीने। तो ये चीज़ें अगर हम अपने कबूतरों को रेगुलर, कुछ और भी काफ़ी सप्लीमेंट्स आते हैं, बट ये जैसे जैसे अब हम जो जिस जिस सप्लीमेंट का टाइम आ रहा है, उस सप्लीमेंट की मैं वीडियो बना के आप लोग को दिखाता जाऊँगा। ये चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, कि मैंने वही वीडियो में बार बार एक बात रिपीट होती है कि ये कई बीमारियों की काट है, और इसीलिए मैं इसको बहुत प्रेफर्ड लिस्ट में रखता हूँ अपने सप्लीमेंट्स की। जब मैं सर्दियों में कबूतरों को सप्लीमेंट्स देना चाहता हूँ, तो उनमें से मैं एक इस सप्लीमेंट को ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि सर्दी में बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं कबूतर मौसम चेंज में, तो उस चीज़ से ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये सप्लीमेंट। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और मैंने इस वीडियो में आपको अपने कबूतरों को वर्सलागा कंपनी की कोलम्बाइन टी पिला करके दिखाई थी, और साथ ही साथ में बताया था कि मैं सर्दियों में क्या दाना उपयोग कर रहा हूँ, प्लस मैंने आपको वो प्लास्टिक वाली शीट दिखाई थी। जब वो शीट लगा दूंगा उसकी वीडियो, तब अलग से डाल दूंगा मैं आपको कि मैंने अपने कबूतरों को किस हिसाब से सील किया। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।